वेलकम बैक। और टेबल के ऊपर मोस्ट पावरफुल फोन रखे हैं। जब आप प्राइस रेंज देखते हो 20,000 से लेके 25,000, तो यही दो फोन पावरफुल इस प्राइस रेंज में हमें देखने मिलते हैं। एक है डिमेंसिटी 8050 वाला फोन और दूसरा है स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 वाला फोन। और यहाँ पे आप क्लस्टर स्पीड देखते हो तो यहाँ पे डिमेंसिटी 8050 के क्लस्टर स्पीड हमें बेटर देखने मिलते हैं एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2। बट हाँ, यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 है उसका जो GPU है वो ज्यादा पावरफुल देखने मिलता है एज कम्पेयर टू डिमेंसिटी 8050। तो हाँ, आपने जैसे देखा कि डिमेंसिटी 8050 के जो क्लस्टर स्पीड है ना, ये हमें ज्यादा देखने मिलते हैं एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2। तो क्या इसका मतलब डिमेंसिटी 8050 पावरफुल है एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2, या ये स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 को टक्कर दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, सब कुछ आज की इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। तो ये जो डिमेंसिटी 8050 वाला फोन है ना, ये है इन्फिनिक्स GD10 Pro और इसकी प्राइस लगभग 21,000 से 20,000 ही रहती है। मतलब इतने कम प्राइस में इतना पावरफुल प्रोसेसर। और ये जो स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 वाला फोन है, ये एक ही फोन है, ये है पोको F5 और इसकी प्राइस लगभग हमें 24,000 के अराउंड एक मिलती है। और मैं ऑलरेडी वीडियो को बना चुका हूँ और मुझे पता है क्या है यार, मचा दिया है यहाँ पे डिमेंसिटी 8050 ने। वीडियो कम्प्लीटली देख लेना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इसलिए जिसकी प्राइस कम है ना, उसको कभी भी कमजोर मत समझना, ऐसी गलती मत करना कि हाँ मतलब इसकी प्राइस कम है तो ये कम पावरफुल है। आपको इस वीडियो से सब कुछ पता चल जाएगा। तो आपको एक पावरफुल फोन चाहिए अंडर 25,000, तो ये भी वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा, तो इसलिए वीडियो को कम्प्लीटली देख लेना। तो आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आने पड़ते हैं, इसलिए यार थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, फिर पैसे भी लगाने पड़ते हैं आपके लिए फोन परचेस करने के लिए। तो आपको थोड़ा सा भी अप्रिशिएट करना है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो कंडीशन नंबर 1, सबसे पहले मैंने चेक किया अपडेट आया कि नहीं, तो इन्फिनिक्स के अंदर अपडेट आया था और इसको मैंने अपडेट कर लिया है, और पोको के अंदर कोई अपडेट नहीं है, तो ठीक है, इसके पहले मैंने अपडेट कर लिया था। उसके बाद पोको के अंदर जो परफॉर्मेंस मोड देखने मिलता है उसको मैंने ऑफ किया है, क्योंकि इन्फिनिक्स के अंदर परफॉर्मेंस मोड नहीं है और वैसे भी इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे मैं एंटीटू देखा कि आपको बिल्कुल कंफ्यूज यहाँ पे करने वाला नहीं हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे बूटिंग टेस्ट से, तो क्योंकि बूटिंग टेस्ट से हमें पता चल जाएगा कि सिस्टम में सबसे पहले कौन सा प्रोसेसर यहाँ पे बूट कर सकता है जब आप फोन को आप रिबूट वगैरह करते हो। तो सबसे पहले दोनों को भी मैं पावर ऑफ कर लेता हूँ। तो दोनों को भी मैंने पावर ऑफ कर लिया है, चलो पावर ऑन करते हैं। 1, 2, 3 एंड प्रेस। चलो दोनों के भी लोगो यहाँ पे आ चुके हैं और लाइट भी जा चुकी है। यह बूटिंग में क्लियर विनर है पोको यहाँ पे, मतलब स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 सबसे पहले बूट हुआ और उसके बाद इन्फिनिक्स। उसके बाद फिंगरप्रिंट स्पीड की बात करें तो पोको के अंदर हमें फिजिकल फिंगरप्रिंट देखने मिलता है, यहाँ पे साइड माउंटेड है, और इन डिस्प्ले हमें इन्फिनिक्स के अंदर देखने मिलता है। और बात करें स्पीड की, भाई दोनों भी क्विक है यार, इन्फिनिक्स भी बहुत ज्यादा क्विक है। यहाँ पे इसकी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों भी हमें क्विक यहाँ पे देखने मिलते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट, काइनमास्टर ऐप से हम एक वीडियो रेंडर करके देख लेंगे कि सबसे पहले कौन सा प्रोसेसर या फोन यहाँ पे कर पाता है। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि काइनमास्टर ऐप स्नैपड्रैगन से ज्यादा ऑप्टिमाइज रहता है, तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट स्नैपड्रैगन की तरफ चला जाता है। चलो यहाँ पे कितना डिफरेंस वगैरह आता है चेक करेंगे। तो सेम लेंथ का एक वीडियो दोनों के अंदर मैंने क्रिएट किया है। उसके बाद चलते हैं एक्सपोर्टिंग सेटिंग के अंदर। तो हाँ, यहाँ पे दोनों भी फोन 4K तक वीडियो को एडिट कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम FHD मतलब फुल HD में ही वीडियो को यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने रखा है बिट रेट भी हाई और उसके साथ 60 FPS। ओके, सेव एज वीडियो। और चलो स्किप और गो, और स्टॉपवॉच को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे रिजल्ट्स हमारे सामने आ चुका है। तो 32 सेकंड पे फिनिश किया था पोको ने और लगभग यहाँ पे 43 सेकंड लगे इनफिनिक्स को, तो यहाँ पे लगभग 11 सेकंड का डिफरेंस था। और इससे क्लियरली पोको यहाँ पे विनर होता है, मतलब स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 पावरफुल देखने मिलता है। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि काइनमास्टर का कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइजेशन स्नैपड्रैगन के साथ बेटर रहती है, तो हाँ इसका एक बेनिफिट हमें स्नैपड्रैगन के साथ देखने मिलता है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के अंदर हमें 4K का एक्सपोर्टिंग सेटिंग देखने मिलता है, जो अच्छी बात है। दोनों के अंदर हमें यूएसबी स्टोरेज 3.1 देखने मिलता है, जो बहुत सही है। तो चलो देखते हैं स्पीड टेस्ट में कितना डिफरेंस आता है। वैसे कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दोनों के भी स्पीड हमें यहाँ पे अच्छे ही मिलने चाहिए, फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं और स्पीड हमें ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही देखने मिलता है। यूएसबी स्टोरेज 3.1 होने के बहुत सारे बेनिफिट्स हमें देखने मिलते हैं। ऐप ओपनिंग का स्पीड हो गया, फटाफट मतलब कुछ कॉपी पेस्ट करना है उसका भी स्पीड हमें गजब देखने मिलता है, तो सही चीज है। बाकी यार मेन चीज आती है कि एक्चुअल ऐप ओपनिंग में कितना डिफरेंस देखने मिलता है, या निग्लिजिबल डिफरेंस है, ये तो मेन चेक करना बनता है। चलो चलते हैं ऐप ओपनिंग पे, मतलब यहाँ पे स्पीड टेस्ट के अंदर इंटर होते हैं हम। तो यहाँ पे हम स्पीड टेस्ट परफॉर्म करेंगे, उसके पहले सब कुछ मैं रिसेंट से क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे रिसेंट से
सब कुछ मैंने हटा दिया और दोनों भी फोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है और स्पीड तगड़ा है वाईफाई का, 5G के ऊपर है बेसिकली। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे फेसबुक से ऑलमोस्ट सिमिलर से ही रिजल्ट थे, एक स्टोरी अपनी ओपन करके रख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद इंस्टाग्राम, हाँ यहाँ पे पोको ने हल्का सा पहले ओपन किया और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, हम यहाँ पे भी मस्त मस्त रील्स अपलोड कर रहे। उसके बाद ट्विटर, यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर सा ही रिजल्ट था, यहाँ पे इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। ओके, उसके बाद फ्लिपकार्ट बिल्कुल सिमिलर, यहाँ पे एक पेज ओपन करके रख देता हूँ तो रैम मैनेजमेंट टेस्ट के लिए आगे काम आएगा। उसके बाद अमेज़ॉन, तो हाँ यहाँ पे भी इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, पहले पेज अमेज़ॉन का इसने ओपन किया था बट नॉट मतलब बिग डिफरेंस थे, चलो छोड़ दो। उसके बाद क्रोमित वेबसाइट ऑलमोस्ट सिमिलर यार। ओके, प्ले स्टोर ये भी सिमिलर सा ही था। उसके बाद यूट्यूब, ओके दोनों भी सिमिलर, मज़ा आ गया। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिए इसे ही मस्त मस्त वीडियोस देखने के लिए। ओके, उसके बाद प्राइम, ओहो यहाँ पे एनिमेशन ही नहीं आया। ओके ओके चलो, उसके बाद स्पॉटिफाई और ये भी सिमिलर। ओके, उसके बाद गेम्स में तो डिफरेंस आना ही चाहिए, देखते हैं। उसके बाद सर्विस सर्फर, या यहाँ पे पोको पहले था। उसके बाद टेंपल रन, और ऑलमोस्ट सिमिलर। उसके बाद कॉल ऑफ ड्यूटी, ओहो यहाँ पे इन्फिनिक्स पहले। ओके, और उसके बाद बीजीएमआई, भाई साहब फिर से इन्फिनिक्स और उसके बाद पोको, क्या ही बोलूँ मैं, मतलब देख रहे हो ना। तो यार हाँ सही है, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, जीपीयू पावरफुल है, उसके बावजूद भी इन्फिनिक्स मतलब डेमेंसिटी 0.50 पीछे नहीं था। हाँ ऐप ओपनिंग में कितना डिफरेंस है यहाँ पे देख सकते हो, लिटरली मुझे ऐसा बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। बट एक चीज़ मुझे जरूर यहाँ पे नोटिस हुई कि पोको के एनिमेशन मुझे स्मूथ फील हो रहे थे ऐप जब मैं ओपन कर रहा था ना, और इन्फिनिक्स में हल्के से कभी कभी स्टटर आ रहे थे। बट बेसिकली मैं यही कह सकता हूँ कि बिल्कुल डिफरेंस नहीं है यहाँ पे ऐप ओपनिंग में, तो सिमिलर सा ही टाइम है। इवन हेवी गेम्स पहले इन्फिनिक्स नहीं ओपन किए, बट हाँ बिल्कुल यहाँ पे एक दो सेकंड ऐसा मतलब पकड़ के चलो कि इतना भी बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, तो दोनों के अंदर इतना मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे बिल्कुल नोटिस नहीं हुआ। और उसके बाद बीजीएमआई की बात करते हैं तो यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग्स के अंदर आते हैं इनके, तो हाँ यार यहाँ पे दोनों के अंदर हमें 90 FPS का सपोर्ट देखने मिलता है, बट इन्फिनिक्स कभी कभी 60 FPS के ऊपर ही आता है 90 FPS के अंदर, और पोको लगभग 60-70 FPS के बीच में रहता है 90 FPS में। और 60 FPS स्मूथ प्लस एक्सट्रीम देखते हो तो जितना मैंने टेस्ट किया है इन्फिनिक्स में अभी भी ड्रॉप आते हैं, इतनी कंसिस्ट 60 FPS नहीं दे पाता, बट पोको में 60 FPS हमें कंसिस्टेंट देखने मिलता है। दोनों में से एक गेमिंग को चूज करना है तो एक नंबर में पोको को दूंगा और दो नंबर में इन्फिनिक्स को दूंगा। तो ये चीज है, डेमिसिटी 0.50 पावरफुल है बट इन्फिनिक्स के अंदर ऑप्टिमाइजेशन की थोड़ी कमी है गेमिंग के अंदर, ऐसी कुछ चीजें मुझे नोटिस हुई थी। उसके बाद चलो कर लेते हैं रैम मैनेजमेंट टेस्ट और स्पीड टेस्ट के लिए जो भी ऐप ओपन किए थे इनके रिसेंट में है, चलो वन बाय वन ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पे बीजीएमआई दोनों के अंदर हमें देखने मिलता है, उसके बाद कॉल ऑफ ड्यूटी ये भी दोनों के अंदर है, उसके बाद टेंपल रन ये भी दोनों के अंदर है, उसके बाद सर्विस सर्फे हाँ ये भी दोनों के अंदर ही है। ओके सही है, स्पॉटिफाई ये भी दोनों के अंदर देखने मिलता है, प्राइम ये भी दोनों के अंदर है, यूट्यूब हाँ ये भी दोनों के अंदर है, प्ले स्टोर ये भी दोनों के अंदर है, क्रोमित वेबसाइट ये भी दोनों के अंदर है, अमेज़ॉन पोको ने रिफ्रेश किया बट ये अभी भी इन्फिनिक्स के अंदर है, फ्लिपकार्ट ये भी दोनों के अंदर है, ट्विटर ये भी दोनों के अंदर है, इंस्टाग्राम
ये भी दोनों के अंदर है, और फेसबुक ये भी दोनों के अंदर है। तो रैम मैनेजमेंट में भी इतना डिफरेंस नहीं है, पोको ने एक दो ऐप फिर रिलोड किए थे बट इतना तगड़ा डिफरेंस नहीं है। तो रैम मैनेजमेंट भी दोनों का भी है, यहाँ पे हमें सही देखने मिलता है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है, Dimensity 8050 वर्सेस Snapdragon 7 Plus Gen 2। तो देखो यार, जितना मैंने यहाँ पे देखा ऐप ओपनिंग में तो यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंस ही नहीं है। लिटरली मुझे लग रहा था बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा, बट जैसे कि हेवी गेम्स कॉल ऑफ ड्यूटी और BGMI ये तो Infinix ने ही, मतलब Dimensity 8050 ने ही पहले ओपन किए, और नॉर्मल ऐप्स में तो बिल्कुल यहाँ पे डिफरेंस आपको नोटिस नहीं होगा। तो ऐप ओपनिंग में तो बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, एक चीज तो क्लियर हो गई। और उसके साथ रैम मैनेजमेंट की बात करें, ये भी हमें सिमिलर सा ही रैम मैनेजमेंट देखने मिलता है, और यहाँ पे भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आएगा आपका काइन मास्टर ऐप से आप वीडियो वगैरह एडिट करते हो, रेंडरिंग करते हो, तो वहाँ पे पोको बेटर है, उसके अलावा यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और कैमरा की बात करें तो कैमरा में Infinix बेटर है, मैं बोल रहा हूँ Infinix बेटर है। बाकी डिस्प्ले तो दोनों का भी AMOLED देखने मिलता है, ऐसी कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। तो आपको एक पावरफुल फोन चाहिए और आपको Infinix 2021 में मिल रहा हो तो Dimensity 8050 के साथ आप जा सकते हो, अदरवाइज आप वीडियो अगर एडिट करते हो, थोड़ी सी बेटर आपको गेमिंग चाहिए तो आप पोको के साथ जा सकते हो। तो आई थिंक सब कुछ वीडियो के अंदर क्लियर हुआ होगा। तो दोनों में से पावरफुल फोन कौन सा है और एक चूज करना हो तो मुश्किल है, क्योंकि दोनों भी पावरफुल देखने मिलते हैं, दोनों भी एक दूसरे के साथ आपस में अच्छे से टक्कर दे पाते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।